मातृभूमि प्रतिष्ठान नागपुर की ओर से अखंड भारत संकल्प दिन के अवसर पर सामूहिक वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन 13 अगस्त की सुबह 7 बजे शहर के सकरदरा चौक पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद मुकुल वासनिक उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में शहर के विविध स्कूल के छात्र भी उपस्थित रहकर सामूहिक वंदे मातरम गाएंगे। पिछले विगत 12 वर्षों से मातृभूमि प्रतिष्ठान नागपुर की ओर से सकरदरा चौक में सामूहिक वंदे मातरम का गान हर साल 14 अगस्त को होता है, लेकिन जिस भी साल 14 अगस्त को इतवार आता है, संडे का दिन रहता है, स्कूलों को छुट्टी रहती है, उस साल हमने आज तक 3 बार 13 अगस्त को यहाँ कार्यक्रम शनिचर के दिन यहाँ संपन्न होता है। उसी प्रक्रिया में इस साल भी 14 अगस्त को इतवार आने के कारण यहाँ कार्यक्रम 13 अगस्त को सुबह 7:30 बजे सकरदरा चौक में आयोजित किया गया है। हर साल इस कार्यक्रम में 10,000 के ऊपर विद्यार्थी और 5,000 के ऊपर बुजुर्ग लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। अनेक महानुभावों ने अपने विचार इस कार्यक्रम में रखे हैं और अखंड भारत दिवस के रूप में हम सामूहिक वंदे मातरम गाकर अपना संकल्प हर साल दोहराते हैं। पिछले 2 साल से कोविड के कारण यहाँ सिंबॉलिक कार्यक्रम हमें करना पड़ा और इसके बाद यहाँ इस साल पहली बार 2 साल के विश्रांति के बाद फिर से इसका विस्मरण न हो कि हम सामूहिक वंदे मातरम का कार्यक्रम सकरदरा चौक में पिछले 12 सालों से इतने शान से लेते हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू रहे। इस प्रक्रिया में कोई 2 साल जो विघ्न आए थे उसके ऊपर हम सब लोग निकल चुके हैं और राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को जागृत करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय नानाभाऊ पटोले इनकी अध्यक्षता में, उसी प्रकार कांग्रेस के राष्ट्रीय सरचिटनीस माननीय खासदार मुकुल जी वासनिक, इनका प्रमुख भाषण वहाँ पे होने वाला है। मैं तमाम स्कूलों के मुख्याध्यापकों और आम नागरिकों को यहाँ अपील करता हूँ कि यहाँ राष्ट्रभक्ति पर कार्यक्रम में 13 तारीख को यानी शनिचर के दिन सुबह 7:30 बजे वहाँ उपस्थित होकर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय वहाँ सब लोग दें।